प्लैनेट एक्स ऐसा लगता है ये नाम किसी मार्वल कॉमिक से लिया गया हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट साबित हो आने वाले समय में। 2016 की शुरुआत में कैलटेक यूनिवर्सिटी के दो बहुत ही ज़्यादा फेमस एस्ट्रोनॉमर्स कॉन्स्टेंटिन बैटिगन और माइक ब्राउन ने ये आशंका जताई कि हो सकता है कि नेपट्यून के ऑर्बिट से कहीं दूर हमारे सोलर सिस्टम की गहराइयों में एक बहुत ही विशाल प्लैनेट मौजूद हो जो कि लगभग अर्थ से 4 गुना बड़ा और 10 गुना तक भारी हो सकता है। अगर प्लैनेट एक्स का अस्तित्व सही है तो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से हम ट्रांस नेपटोनियन ऑब्जेक्ट्स यानी एटनोस के अनयूजुअल ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी एटनोस क्या है? तो एटनोस एक ग्रुप ऑफ सोलार सैटेलाइट्स हैं जो कि नेपट्यून से लगभग 120 एयू की दूरी पर कैपर बेल्ट में मौजूद हैं। कैपर बेल्ट में ऐसे करोड़ों एस्टेरॉइड्स मौजूद होने चाहिए, लेकिन हमने अभी तक लगभग 2000 ही खोजे हैं। जितने एस्टेरॉइड्स अभी तक हमने खोजे हैं उनमें से सारे एस्टेरॉइड्स के ऑर्बिट बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हैं। इनमें से ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स का ऑर्बिट कुछ एंगल पर टिल्टेड है और कुछ ऐसे भी हैं जिनका ऑर्बिट 90 डिग्री तक शिफ्टेड है। यहाँ तक कि कुछ में तो फुल 180 डिग्री का डिफरेंस देखा गया। ये सब ऑब्जर्वेशंस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और साथ ही साथ मिस्टीरियस भी। लेकिन जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन थी जिसके बाद कई सारे साइंटिस्ट का ध्यान 9th प्लैनेट के होने पर गया वो ये थी कि इनमें से ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स का जो ऑर्बिट था वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ये सब ऑब्जर्वेशंस जब सामने आई तो कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि कैपर बेल्ट में करोड़ों ऑब्जेक्ट्स हैं और हमने सिर्फ कुछ चंद ऑब्जेक्ट्स ही खोजे हैं, तो हम सिर्फ इतने नॉमिनल डेटा से कैसे एक इतने बड़े विशाल प्लैनेट के होने की बात कर सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि हमने जितने ऑब्जेक्ट्स अभी तक डिस्कवर करे हैं सिर्फ उन्हीं में ये अनयूजुअल बिहेवियर हो। कॉन्स्टेंटिन बैटिगन कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1/500 है। बैटिगन का कहना ये है कि इन ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट्स में ऐसी अनोमलीज को एक्सप्लेन करने के लिए कोई अल्टरनेटिव नेचुरल मैकेनिज्म नहीं है। या तो ये अनोमलीज प्लैनेट एक्स की वजह से हो रही हैं या फिर हमारा डेटा या ऑब्जर्वेशंस में कोई फॉल्ट है। जैसे कि एक बार कार्ल सैगन ने कहा था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस। इसलिए बैटिगन खुद कहते हैं कि प्लैनेट एक्स के अस्तित्व को तभी माना जा सकता है जब हम इसे ढूंढने में सक्षम हो पाए। माइक ब्राउन का कहना यह है कि प्लैनेट 9 के एग्जिस्टेंस की चांसेस तकरीबन 90% है, और वहीं ग्रेग लाफलिंग जो कि एक रिसर्चर हैं उनका मानना यह है कि इसके एग्जिस्टेंस के चांसेस 68.3% है। प्लैनेट एक्स की हाइपोथेसिस सही साबित हो या ना हो, इससे हमें एक चीज़ ज़रूर समझ आती है कि मानव सभ्यता ने अभी तक सिर्फ ब्रह्मांड की ऊपरी सतह को खरोचा है, और इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसी कई सारी मिस्टीरियस चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि हमारे सोलार सिस्टम में ही कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें कोई भी अंदाज़ा नहीं है। मुझे आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन जब भी मैं ऐसे हाइपोथेसिस के बारे में सुनता हूँ तो मेरे अंदर की जिज्ञासा इस ब्रह्मांड को लेके एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। देखने के लिए धन्यवाद।